जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि जम्मू कश्मीर के विशाल संसाधनों को देखते हुए युवाओं को हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से आज जम्मू में संयम पंजों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। संयम पंजों ने ब्राह्मणों को कहीं न कहीं खंडित कहकर किया अपमान। जम्मू पहुंचा बलिदानी राइफलमैन सुखजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर, सैन्य सम्मान पूर्वक हुआ अंतिम संस्कार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता बाबा चंचल ने एसएसबी को सौंपे 5000 तिरंगे झंडे, बोले हर देशवासी तिरंगा जरूर लहराए। जम्मू कश्मीर में 75 विरासत स्थलों में पहले चरण में 35 का होगा रेनोवेशन। जम्मू में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की तरफ से किया गया प्रदर्शन, बोले जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रवैया गलत। चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय सेना द्वारा सदोदाप तुलेल घाटी में तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। मोहर्रम जुलूस पर याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा कि मोहर्रम जुलूस की अनुमति पर फैसला लेना सरकार का अधिकार। भाजपा की युवा इकाई की तरफ से आज की गई प्रेस वार्ता और साथ ही साथ लोगों से लगाई गुहार की हर घर तिरंगा अभियान जो है उसे बनाया जाए सफल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 5 करोड़ की लागत डीसी ऑफिस में पार्किंग सुविधा की गई प्रदान। साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से ये पार्किंग तैयार होगी लोगों को मिलेगी राहत। कोरोना के नए मामलों में 16% उछाल, एक दिन में मिले 19,000 के करीब मामले। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स टीका बनाने के लिए सीरम और भारत बायोटेक के बीच मची होड़। भारतीय नौसेना की अग्निवीर योजना के लिए 80,000 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने कराया पंजीकरण। मंकीपॉक्स से भी बचाएगा सैनिटाइजर और मास्क, सरकार ने डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की दी सलाह। आईबी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को दी एलईटी, जैश ए मोहम्मद से खतरे की चेतावनी, जारी किया अलर्ट। संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का शिकंजा, हर तिमाही कंपनियों का होगा कंप्लेंट्स ऑडिट। 3 चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियों पर कसा जा सकता है शिकंजा, टैक्स चोरी मामले में केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस।